क्वेश्चन नंबर वन, भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1946। क्वेश्चन नंबर टू, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर थ्री, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर फोर, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी बलीराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, ऑप्शन डी जी वी मावलंकर। इसका आंसर है ऑप्शन डी जी वी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों का प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सर बी एन राव, ऑप्शन डी श्री के एन मुंशी। इसका आंसर है ऑप्शन सी सर बी एन राव। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारतीय संविधान अपनाया गया था ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर एट, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी देवीलाल। इसका आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी देवीलाल। इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर टेन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9A। इसका आंसर है ऑप्शन डी 9A। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर,
ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकी में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1958, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी भारत के लोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 15, बंधुत्व का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भाईचारे की भावना, ऑप्शन बी पिता तुल्य व्यवहार, ऑप्शन सी एकता एवं अखंडता, ऑप्शन डी आर्थिक न्याय का निरसन। इसका आंसर है ऑप्शन ए भाईचारे की भावना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कार्यकारी समिति। इसका आंसर है ऑप्शन बी विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 12 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 18 भाग, ऑप्शन डी 25 भाग। इसका आंसर है ऑप्शन डी 25 भाग। क्वेश्चन नंबर 19, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एम ए जिन्ना। इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1935।